दीपावली की सीजन जब नजदीक आ रही है तब आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब दीपावली की खरीदी करने जाओ, दीपावली की शॉपिंग करने के लिए जाओ, तब छोटे छोटे आदमियों से शॉपिंग करो, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में न्यूज़पेपरों में आपके सामने एड ला करके रखती है, ये सेल है, इतना टका डिस्काउंट है, ये मिलेगा वो मिलेगा, और हम लोग लालच में आकर के ऑनलाइन शॉपिंग में लगे रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब दीपावली नजदीक आ रही है तब छोटे छोटे आदमियों के पास जाओ, उनके पास से खरीदी करो, उनके पास से कुछ शॉपिंग करो, उनका घर चलेगा, उनकी दीपावली सुधर जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन का समय है वो करे, लेकिन जब ऐसा अवसर आ रहा हो, जब ऐसा फेस्टिवल आ रहा हो, हम चाहते हैं कि हमारी दिवाली बेहतर बने, हमारी दीपावली बेहतर बने, तो मैं आपको कहना चाहता हूं हमें औरों की भी दीपावली बेहतर बनानी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए हम विंडो शॉपिंग करें, हम नीचे उतरे, नीचे उतर के जाए, और वो भी मॉल में नहीं, वहां से भी तो मल्टीनेशनल कंपनियों में पैसे जाते हैं, कहां जाते हैं? मैं तो कहता हूं जब छोटे छोटे लोग बैठे हुए होते, कोई दीपक लेके बैठा हुआ होता है, कोई दीपावली की कुछ आइटम लेके बैठा हुआ होता है, कोई रंगोली लेकर के बैठा हुआ होता है, और ऐसे लोगों से जब आप खरीदारी करोगे, वो लोग बेचारे आपसे मांगते नहीं है, आपके सामने हाथ फैलाते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ आप उनसे खरीदारी करो, दो पैसे उनको मिले, और दो पैसे उनको मिलेंगे उनकी दीपावली बेहतर हो जाएगी, उनकी दीपावली अच्छी हो जाएगी, उनकी दीपावली सफल हो जाएगी, मैं कहता हूं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ लेना, जब खरीदारी करने का समय आवे, जब आप कुछ शॉपिंग करने जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, मॉल में जाकर के शॉपिंग मत करो, आपको लगता है कि महाराज साहब हमें तो ब्रांडेड आइटम चाहिए, हमें ऐसी जैसी आइटम चलती नहीं है। मैं कहता हूं लेकिन हमारी खरीदी से, हमारी शॉपिंग से किसी के चेहरे पर खुशी आ सकती हो, किसी के चेहरे पर लाली आ सकती हो, किसी के मुख पर प्रसन्नता आ सकती हो, किसी की दीपावली सुधर सकती हो। 200-500 रुपए में हमारा कुछ नहीं जाता, 200-500 रुपए में हमें कुछ जाता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आदमी को 200-500 रुपए मिल जाएंगे ना, तो उसकी दीपावली सुधर जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा, उसके बच्चे मिठाई खाएंगे। और गुरुदेव प्रेम श्री स्वजी महाराज साहब तो हमें हर हमेशा कहते थे, समझ लेना, कि दीपावली में हम मुंह मीठा करें उसके पहले हमें किसी न किसी का मुंह मीठा जरूर करवाना चाहिए। वो हर हमेशा गुरुदेव हमें कहते थे कि सुन लो, अपने गुरु भक्तों को, अपने शिष्यों को, सबको हर हमेशा कहते थे कि समझ लेना, दीपावली में हम मुंह मीठा करें, हम हमारे घर पे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए किलो की मिठाई लेकर के आ जाते हैं। अभी अभी मैं न्यूज पेपर में कल परसों पढ़ रहा था, अभी सोने के वर्ग वाली मिठाई निकली 50,000 रुपए किलो, ऐसी ऐसी मिठाइयां हम तो हमारे घर पे लेकर के आ जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, उनको मिठाई कौन खिलाएगा? इसलिए गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे भारत भर में प्रेम परिवार ने प्रकल्प शुरू किया कि हर साल दीपावली के पहले पहले जहां जहां प्रेम परिवार है वहां हर जगह मिठाई बनती है, और अच्छे से अच्छी जो मिठाई हम बहर सकते हैं, जो मिठाई आप लोग खाते हो, जो मिठाई आप घर में लेकर के आते हो, ऐसी 500 रुपए किलो वाली मिठाई नहीं, 500, 700, 800 रुपए किलो वाली मिठाई बनती है, और वह मिठाई पूरे भारत भर में जहां जहां प्रेम परिवार 10-12 जगहों पर जहां जहां भी है, गुरुदेव की प्रेरणा से जितने संकुल बने, जितने जिनाले बने, जितने तीर्थ है, जहां जहां हमारा परिचय है, जहां जहां चतुर्मास हुए, हर जगह पे वो मिठाई भेजी जाती है कि पहले जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा, पहले स्टाफ को खिलाया जाएगा, हजारों किलो मिठाई हर समय दीपावली के पहले बांटी जाती है, और उसके बाद में ही गुरुदेव कहते हैं उसके बाद में ही हमें मिठाई खानी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, दीपावली हमारी तो सुधरे, हम चाहते हैं कि हमारी दीपावली अच्छी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वजह से दूसरे की भी दीपावली अच्छी हो, यह आपको सोचना चाहिए। और इसीलिए जब आपको शॉपिंग करने का अवसर आवे तो छोटे छोटे लोगों से शॉपिंग करो, आपकी शॉपिंग से उनका घर चल जाएगा, उनको गलत रास्ते पे जाने का मन नहीं होगा, उनको ईमानदारी से काम करने का मन होगा, उनको मेहनत करने का मन होगा। और इसीलिए हम दीपावली तो हमारी तो सुधारे, लेकिन आओ दूसरों की भी दीपावली हम सुधारें।